हेलो बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास के लिए मैथ्स का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज मैं सबसे पहले इस चैप्टर को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला चैप्टर है ये। और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स जुड़े हुए भी हैं, और इसे करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से नहीं किया तो ये आपके 11th+12th के कई सारी चीज़ों को बेकार कर सकता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, धीरे धीरे, आराम आराम से, एक एक पॉइंट को पकड़ कर चलेंगे और बहुत अच्छे से सीखते हुए काम करना है। और होमवर्क भी साथ साथ करते रहना, क्योंकि ये धीरे धीरे इसका कंटेंट ज्यादा होता चला जाता है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बार बार कई सारे ऐसे नए नए क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं जो आपको करने बहुत जरूरी होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा जिसके अंदर एनसीईआरटी प्लस एमएल अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आज मैं सिखाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको आज वो सीखना है, जिसके बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा जब मैं ये सिखाऊंगा। क्योंकि बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बच्चों को कई बार डर लगना शुरू हो जाता है कि ये एक बहुत ही टफ चैप्टर है और इसको करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमें कई प्रकार से इसमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों, ये डर जो है वो सिर्फ हमारा एक भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टरों में से एक है। और इस चैप्टर को जब आप कर लोगे पूरी तरीके से तो ये आपका फेवरेट बन जाएगा। लेकिन बच्चों, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाना है, जो जो मैं करवाऊं बस उसको हाथों हाथ प्रैक्टिस करते जाए। और जो भी आपका होमवर्क है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, सभी बच्चे सेंड करेंगे, और जो भी उनका डाउट होगा वो सब मैं उन डाउट्स को आपको वीडियो बना बनाकर रिप्रेजेंट करता चला जाऊंगा। अभी समस्या हमारे सामने लॉकडाउन की है, इस वजह से अभी फिलहाल हम ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा बच्चों, 10th क्लास में आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जिसमें आपने कई सारे फॉर्मूले याद किए, उन फॉर्मूलों को पुट करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो बच्चों, उसी का ही थोड़ा सा अपग्रेड रूप अब आपके सामने आएगा, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक हम बातें 10th की ही करेंगे, एक दो क्लास तक हम बातें 10th की ही करेंगे। लेकिन उन 10th की बातों को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब आपको क्या सीखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों आपको सीखना है कि अब तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने, वो सारे के सारे सॉल्व करने के लिए क्या आधार रहा है, जरा देखिए। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से बच्चों हम लोगों को यहां पे ये थीटा दिखाया जाता है, ये बोला जाता है थीटा, जहां पे हम बच्चों जरूरी नहीं है थीटा ही पुट करें, एक्स ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जितने भी थीटा यहां दिख रहे हैं ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक ही बात को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे के सारे। और वो कौन सी बात है भाई? एंगल। कौन सी बात है? एंगल। यानी थीटा जो है यहां पे किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अब तक हम लोगों ने 10th क्लास में जो भी एंगल देखा वो सारे के सारे एंगल किसमें थे बच्चों? डिग्री में थे। किसमें थे? डिग्री में। जैसे आपने क्या क्या पढ़ रखा है, साइन 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से कॉट 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक, टेन 0 डिग्री, ऐसे आपने सबके
सबके ऐसे देखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये डिग्री आपने कहाँ तक देखी? 90 तक। लेकिन इस बार 11th में हम लोग इस लिमिट को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे कई लेवल तक, हजारों डिग्रियों तक जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इन सारी डिग्रीज को हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, अब हम एक अपना नया स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने वाले हैं। तो बच्चों अब हमें काम डिग्री में नहीं करना है, अब हमें काम एंगल का ही एक नया वर्जन जिसे हम लोग रेडियन कहते हैं, ठीक है, उसमें जाना है। ठीक है, तो अब डिग्री को हम रेडियन में पहुंचाने जा रहे हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है पहले ये सीखना पड़ेगा, कि कैसे हम डिग्री से रेडियन में और रेडियन से वापस डिग्री में कैसे आ सकते हैं, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। और ये सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम क्वेश्चन के किस हिस्से को कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपके सामने डिग्री और रेडियन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आप ये बात देखिए कि बच्चों अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो मैं सीधा 180 डिग्री उठाऊंगा। ठीक है, और 180 डिग्री जो रेडियन के कंडीशन में होता है वो पाई के बराबर होता है। पाई जानते हो, 22/7, जिसकी वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो ये 180 डिग्री जो होता है ना बच्चों, वो रेडियन में पाई के बराबर होता है। रेडियन में किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। अब बस यहीं से चेंज करते चले जाना है और नए नए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते जाना है। अच्छा, अब सभी बच्चे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। अब आप ये बात तो जानते हो कि दुनिया का कोई सा भी नंबर, ठीक है, वो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई होता है, होता है कि नहीं? अब ये डिग्री है तो इसके ऊपर डिग्री लगा दो, ये रेडियन है, अब देखो पाई अपने आप में ही रेडियन है, तो 1 तो रेडियन है नहीं, तो 1 को रेडियन कैसे बनाएंगे? ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे। ऊपर छोटा सा क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे, तो ये बन गया रेडियन। क्या बन गया? रेडियन। अब अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो क्या करूंगा मैं? ये 180 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा? डिवाइड। तो बच्चों 1 डिग्री की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है? पाई अपॉन में 180। अब अगली बात आप समझ चुके होंगे कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी। पाई यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे आगे क्या करेगा? डिवाइड। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? 180 अपॉन में पाई। अब अगर आपको ये दो वैल्यू मिल चुकी है, तो बस इसी से आप अब जंग जीतना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो 1 डिग्री कितना है? पाई अपॉन 180, और 1 रेडियन कितना है? 180 अपॉन पाई। तो ध्यान से सुनिए, अभी मैं सिर्फ आपको चेंज करना सिखा रहा हूं, अभी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, तो बच्चों डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाए? ठीक है, अब जरूरत क्या है इसकी? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि बच्चों अब हम एंगल्स को हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, ठीक है, हंड्रेड्स की संख्या में लेके जाने वाले हैं, इसलिए हमें रेडियंस की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं सबसे बेसिक नंबर लेके चलता हूं, मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं? तो सिंपल, चलिए बच्चों वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बच्चों 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन में 180 के बराबर है कि नहीं? तो बच्चों जब 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन में 180 है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो बस 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 3 से 18 कटेगा 6, तो आंसर कितना? पाई बाय 6। तो बच्चों 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखा जाता है? पाई अपॉन में 6, पाई अपॉन में 6। चाहे तो आप पता करके देख लीजिए, हाँ जी जरा ये 180 डिग्री को डिवाइड करके देख लीजिए 30 से, आपको रेडियन भी पाई बाय 6 मिल जाएगा। ठीक, अच्छा एक और देखते हैं, 45 डिग्री। हाँ जी बच्चों, अब 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करके देखते हैं। ठीक है, 45 डिग्री को
हाँ जी, तो इसको चेंज करके देखते हैं, फिर से वही वी नो दैट। हाँ जी, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, पाई अपॉन में 180। तो 45 डिग्री की कितनी होगी, पाई अपॉन में 180 इंटू में 45। 9 से कटेगा 9 5 जा, 9 से कटेगा 25 4, आंसर पाई अपॉन में 4। तो बच्चों 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन में 4 रेडियन के बराबर हो जाता है। पल्ले पड़ रही मेरी बात सभी बच्चों को? इसी प्रकार से अगर हम 60 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री तो ये भी आपको पता कैसे होगा भाई, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, तो 60 डिग्री कितना, पाई अपॉन 180 इंटू 60, 0 से 0 6 3 जा, तो पाई बाय 3। ठीक है, तो ये तो वो एंगल्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन बच्चों अब एंगल थोड़े और इंक्रीज होना शुरू होंगे। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया भाई 135 डिग्री, तो इसका भी बच्चों ऐसे ही होगा, वी नो दैट, क्या 1 डिग्री पाई अपॉन 180, तो 135 डिग्री कितना होगा, सेम केस 135 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसको किससे डिवाइड करेंगे जल्दी बताओ, बोलो 9 से ही कर दूं, 9 से कर दूंगा तो कितनी बारी में, 9 और ये 5, 9 से कर दूंगा 20, 5 से कर दूंगा 3 और 4, तो कितना आ गया 135 डिग्री 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। पल्ले पड़ रही बात? ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप सभी को अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, इसको नोट कीजिए और मुझे करके दिखाइए कि किसके कितने कितने रेडियन है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे आप। ठीक है, चलिए फिलहाल ये मैंने करा दिया, अब इसके बाद मैं आप कराने जा रहा हूं आपको रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए सभी और इसको सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में सब दिखाएंगे। ठीक है, अब कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके दो पार्ट है बच्चों, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो मैं आपको अभी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, सेकंड पार्ट में इसके कि भाई जब कोई डिजिट रेडियन में रहे तब कैसे करेंगे। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जैसे पाई वाले करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हमें पता ही कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए 180 अपॉन में पाई। ठीक है, चलिए तो चलो 7 या एक काम करते हैं 3 पाए बाय 2, ये कितने डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो वी नो दैट, फिर से वैसे ही 1 रेडियन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 180 अपॉन पाई, तो 3 पाई बाय 2 भी तो रेडियन ही है, ये भी तो रेडियन ही है, तो इसको कैसे किया जाए बच्चों, 180 अपॉन पाई इनटू में 3 पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट 90, 93 जा 270 डिग्री। तो बच्चों 3 पाई बाय 2 डिग्री में कितना होता है, 270 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब करते हैं जैसे मान लीजिए क्या ले लेते हैं, 4 पाई बाय क्या ले लेते हैं, 3 ये ले लेते हैं, इसको करिए वी नो दैट, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, तो 4 पाई बाय 3 कितना होगा, 180 अपॉन में पाई इंटू 4 पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 60, तो 64 जा 240 डिग्री। तो बच्चों 4 पाई बाय 3 कितना होता है, 240 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए 2 पाई बाय 3 ले लिया हमने या 4 ले लेते हैं, चलो या एक काम करो 3 पाई बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, 3 पाई बाय 4 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, तो बच्चों 3 पाई बाय 4 कितना होगा, 3 पाई बाय 4, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट होगा 45 पे, तो 45 दिया कितना होता बच्चों, बोलो 135 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बच्चों इस प्रकार से आपको मैंने क्या सिखाया कि भाई रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, रेडियन से
डिग्री में कैसे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां लिख के दे रहा हूं, तो वो सारे आप चेंज करके दिखाएंगे मुझे। इतने थे क्वेश्चंस, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, रेडियन से कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री में। तो आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही करा रहा हूं, ताकि आप लोगों पे एकदम से इतना बर्डन ना पड़े, ठीक है। बहुत ही कम क्लास है आज की, लेकिन इतनी सी क्लास आपके लिए अगली क्लास के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं भाई। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी इसका एक पार्ट बाकी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर्स कैलकुलेट करके आपके साथ देखूंगा कि मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे 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 हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंटर करना शुरू करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो आपको अच्छे से करना है। जो डाउट हो मेरे नंबर पे फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। नंबर मैंने लिख दिया है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, चलिए जय हिंद।